तो भाई हमारी हालत ख़राब हो गई चलते चलते। हम यहाँ से पूरा घूम के आए थे और यहाँ से भाई आप जा रहे हैं वहाँ पे, तो फिर हम वहाँ से आके वहाँ पे गाड़ी हमने पार्क की थी, बट हम सोचा कि क्यों ना घूम के आए, इसलिए दैट रीज़न वी केम फ्रॉम दैट साइड और हम निकल रहे हैं उस केव के लिए एक्सप्लोर करने के लिए। लेट्स सी कैसे अब जर्नी रहती है यहाँ से आगे भी। आई एम क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट था कि मुझे यहाँ के पहले केव का एक्सप्लोर करना था। कुड़ो संगम और अलमट्टी इज़ ओके बट डिपेंड ऑन द लाइक द सिचुएशन ऑन द लाइक क्लाइमेट, बट यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हो, यू कैन फाइंड समथिंग लाइक पीसफुल थिंग ओवर हियर। सो एज यू कैन सी ये जो आप लेक देख रहे गाइस, ये इंसानों ने बनाया हुआ लेक है, डोंट एक्सपेक्ट कि ऑटोमेटिक बना था, ये इंसानों ने बनाया हुआ लेक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि कितना हार्डवर्क, कितना सारा वर्क यहाँ पे लगा होगा। और वहाँ पे जो है वो एक टाइप का म्यूजियम है, सो यू कैन चेक इट आउट देयर गाइस। पर हेड 25 रुपीज़ ना, और कैमरा के भी 25 रुपये अलग से आपको देने पड़ेंगे। सो मेक श्योर कि हमारे चार का हो गया 150 रुपीज़। चलो देखते हैं कि अभी कार पार्किंग के भी आपको 30 रुपीज़ यू हैव टू पे फॉर सेपरेटली। और दिस इज़ द एंट्रेंस फॉर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट साइड। उसके बाद से सेकेंड और थर्ड केव शुरू होती है। सो होपफुली आई कैन सी दिस फर्स्ट केव और इसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ भी निकले। सो लेट्स सी कैसे पूरा मतलब एक पत्थर में बनाया गया है। आई रियली डोंट नो उस पत्थर को क्या बोलते हैं, बट समथिंग इज डिफरेंट। योर नेम भी लाल पत्थर है उस वाले टाइप का। As you can see guys, this road takes you to second cave और यहाँ पे 3 या 4 caves आई थिंक। सो लेट्स सी कि कितने सारे caves हमें लगने वाले अभी तक। तो फिलहाल तो हमने एक एक्सप्लोर की as you can see और उसके बाद आएगी सेकेंड वाली। सी गाइस दिस इज द सेकंड केव और वहाँ पे पहली थी, फिर वहाँ से आप यहाँ से आके दिस फॉर सेकंड थिंग। अंदर भी जाके दिस इज द एंट्रेंस, दिस इज द कूलेस्ट थिंग गाइस। बाप रे, दिस लिटिल बिट डार्क हो गया। द इको सिस्टम वॉट यू सी समथिंग फ्रॉम हियर ना, दिस समथिंग लाइक यूनिक। पर यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पे वहाँ पे कुंड था उस सेक्शन पे, बट यहाँ पे नहीं है। दिस इज द ओनली चेंजिंग थिंग ओवर हियर और सब कुछ सेम ही है, ऐसा ही है। समथिंग अमेजिंग नेवर सीन बिफोर इन माय एंटायर लाइफ। यू मस्ट कम इफ यू गोइंग टू हम्पी, फर्स्ट कम हियर बादामी एंड देन यू कैन प्रोसीड टू हम्पी, बिकॉज ये प्लेस ऐसा है कि यहाँ पे हमको आना ही आना मिलता है भाई। इट इज़ टोटली वर्थ इट टू कम हियर और थोड़ी बहुत ट्रेकिंग भी हो जाएगी। और यहाँ से पूरा सिटी दिखता है गाइस, एज यू कैन सी यहाँ से पूरी की पूरी सिटी दिखती है आपको। कम से कम एक्सप्लोर करने के लिए 4 घंटे लगेंगे फॉर दिस सेक्शन, और उधर के साइड पे भी है, बट वी कूडंट गो ओवर देयर बिकॉज हमारे पास इतना टाइम है नहीं। एज यू कैन सी वहाँ पे म्यूजियम है, ऊपर टेम्पल्स है, पर मोस्ट ऑफ द पीपल हु वांटेड टू सी बादामी वो यहीं पे आते हैं, उसके बाद वो उधर पे जाते हैं। जो कोई बहुत ही ज़्यादा बंदा अल्कोहलिक है फॉर एक्सप्लोरिंग दैट टाइम विद द पीपल हो गोइंग ओवर देयर, अदरवाइज सभी इधर ही आते हैं। बहुत मज़े हैं वहाँ पे, हैं शब्बीर भाई हमारे, देख सकते हो वहाँ पे एज यू कैन सी। और यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं किया था, बस इसको बना के छोड़ दिया था आधे में, द रीज़न वाई आई रियली डोंट नो। चलो कोई बात नहीं,
चलो अब निकलते हैं थर्ड केव की तरफ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स सी कि कैसा दिखने को मिलता है अब। सो ये जो जाता है रास्ता ये थर्ड केव की तरफ जाता है। ये भी एक केव है लेकिन कंप्लीट नहीं है। वहाँ पे सेकंड थी, वहाँ नीचे फर्स्ट थी। सो एज यू कैन सी ऑल द व्यू यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये जो लेक है एंड फ्रॉम देयर टू दैट सेक्शन गाइस। Information about this cave, so you can pause this video or frame and you can read all the things about this section in English also. ऐसी जगह आपको दोबारा कहीं देखने नहीं मिली। सो जिंटा वैलू के बाद और आई थिंक हम्पी के बाद दिस इज द फर्स्ट प्लेस यू हैव टू विजिट एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ। So that you can see guys, over there also so many points but we couldn't go over there. Otherwise that's the reason we need at least one day for exploring that thing, you know. Yeah, जो पिछले दो तीन के उसमें था वही सेम वहीं पर भी है। सो दैट इज वी आर नॉट गोइंग टू इनसाइड एंड एक्सप्लोरिंग दैट सेक्शन क्योंकि वही देख के बोर हो जाता है। बट या इट्स एक्चुअली पीसफुल हो गया। सो आप आ सकते हो इन वन डे और अगर आपको पूरा एक्सप्लोर करना है तो यू नीड एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स टू कम्प्लीट ऑल दिस प्लेसेस। हो गया तो मस्त काम, मैं तो बोलूँगा कि जरूर आइए। क्या बोलते हो शकुर भाई, आना चाहिए कि नहीं? कब आना चाहिए? कब, कौन से सीज़न में आना चाहिए? कौन से सीज़न में आना चाहिए तुम बोलो। भाई जून में आइए, ठंडी में आइए, कभी भी आइए, इट्स ओपन इन टू। लेकिन आइए ज़रूर, आइए ज़रूर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो। चलो चाओ अब चलते हैं नीचे की साइड पर, देखते हैं कि और क्या क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट केव नंबर 4। सो दिस दैट यू कैन पॉज द फ्रेम एंड यू कैन रीड ऑल द थिंग्स। देयर आल्सो सो मेनी पॉइंट्स वर देयर दैट यू कैन सी बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो ओ देयर। कुछ तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्कल्पचर्स और थोड़े ऐसी मूर्तियाँ कुछ बनाए हुए हैं। आई रियली डोंट नो व्हाट इज दिस आर व्हाई दे आर मेड दिस थिंग, पर चलो देखते हैं कि क्या क्या होता है अभी। तो भाई ये पूरा भर भर के मूर्तियाँ ही हैं यहाँ पे। आप कहाँ पे घूमें और कहाँ पे नहीं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। जितना हो सका हमने तो किया और इससे ज़्यादा तो होने वाला भी नहीं। चलो भाई निकलने का टाइम हो गया। ट्राई टू सी सम न्यू प्लेसेस एंड गो सम ऑफ द प्लेसेस वेयर एक्चुअली वी हैव टू गो, यू नो। अब यहाँ से तो पूरी सिटी दिखती है भाई। दिस इज़ द बादामी सिटी, स्मॉल बट या इट्स ओके। फाइनली आई एम लीविंग फ्रॉम हियर। हाँ मेरे सारे दोस्त वहाँ पे हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस कौन सा होता है? सो फार सो गुड, अभी तक तो सब कुछ ठीक था। अब नेक्स्ट प्लान नीचे जाने की कोशिश करेंगे और नीचे को एक्सप्लोर करेंगे। मेरी टार्जन वहाँ पे खड़ी है इन बिटवीन पजेरो और इसके बीच में स्क्वीज्ड हो चुकी है पूरी टोटली। चलो बट मन नहीं कर रहा गाइस, बट आई हैड टू गो फ्रॉम हियर एंड दिस इज सैड मोमेंट फॉर मी एंड माय सेल्फ एंड दिस जर्नी, यू नो। मैं चाहता हूँ कि खान सफर ऐसे ही बढ़ती चले बट कुडंट हैपन। द रीज़न वाई ओनली कि यार टाइम नहीं है, हमको 2 दिन मिले हैं बस छुट्टी मिल के कैसे। तो और इन 2 दिनों में आई हैड टू एक्सप्लोर लाइक लिटल बिट ऑफ लाइक कर्नाटका साइड, यू नो। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स रीज़न आई जस्ट डिसाइडेड ओ माई गॉड जितना मिला उतना ही ले लो, ज़्यादा की आस मत करो, लालची मत बनो भैया। व्हाट हैपेंड वो देखा है, एक मंकी ने एक औरत का पर्स और ओढ़नी चुरा के ले गया भाई। चुनरी भगा लिया बंदे ने। अरे बाप रे, चुनरी आदमी लाल कहाँ है चुनरी? हाँ वहाँ पे चुनरी लाल वाली। अरे बाप रे, सो यू हैव टू केयरफुल गाइस व्हेन यू कम टू
came to like a badami, so always be sure ki monkey se bach ke raho bhaiya. अगर आप यहाँ पे आते हो सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द वॉशरूम्स एंड ऑल द थिंग्स. यहाँ पे आपका पार्किंग सेक्शन है और यहाँ से डायरेक्ट आइए और यहाँ पे वॉशरूम्स हैं. ओके सो अब हम निकल रहे हैं फॉर एक्सप्लोरिंग द लोअर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन. ऊपर का तो हो गया, हम वहाँ से आए थे, वहाँ से पूरा हो गया, पूरा केव्स हो चुके हैं. वहाँ पे मंकी और आप अब जाएंगे नीचे जो कि मैंने ऊपर से आपको दिखाया था. अब हम जाएंगे नीचे के सेक्शन पे और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या हमको देखने को मिलता है. से ये जो थी लास्ट वाली केव थी, वहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, वहाँ से हम पूरा नीचे आए. और ये कुछ इसका सेक्शन है फॉर समथिंग लाइक दिस यू नो. वहाँ पर भी कुछ सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे ऐसे ओवर देयर सो मेनी पॉइंट्स. वहाँ पे भी पॉइंट्स हैं, वहाँ पे म्यूज़ियम है. अब हम जाएंगे उस मंदिर की तरफ जो कि मैंने ऊपर से दिखाया था और वहाँ पे भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे. सो लेट्स सी. अब सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस कि बादामी में कब आना चाहिए, क्या सीज़न होना चाहिए और कितना बजट होना चाहिए. बजट बहुत ही सस्ता है गाइस. अगर मुंबई से आप आ रहे हो तो 5000 के अंदर आराम से आपकी ट्रिप हो जाएगी. इफ़ यू कमिंग कम्यूटर कम्यूटिंग और लाइक बसेस और ट्रेन में तो कुछ पूछे ही मत, आराम से हो जाएगा. डायरेक्ट आपको यहाँ एक नज़दीक का स्टेशन है, वहाँ पर आप ट्रेन से आ सकते हो. आपको खाना पीना है यहाँ पर, सो मेक श्योर कि आप हाईवे से आ रहे हो तो हाईवे पे कुछ अच्छे होटल में खा के आइए. बिकॉज देयर इज़ नो एनी गुड होटल हो या यू कैन डू सम लाइक स्नैक्स, बट होटल के मामले में एकदम बकवास है भाई. तो भाई लोग हमारे कुछ पोजेस दे रहे हैं. हाय, क्या बात है मियाँ. तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनाई गई हैं जो कि रिजेंबल करती है कि पास में लोग कैसे जीते थे यहाँ पे. सो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे स्कल्पचर्स और थोड़ी छोटी छोटी ऐसे रिजेंबल्स बनाए गए हैं कि यू नो हाउ पीपल जस्ट लिविंग ऑन दैट पास टाइम. और इसका सारा इन्फॉर्मेशन आप गूगल कर सकते हो. आई एम जस्ट अ ट्रैवलर, नॉट लाइक बोलते हैं ना एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है वैसे टाइप में नहीं हूँ मैं. आई एम जस्ट ट्राई टू गाइड यू कि हाउ यू कैन ट्रैवल. सो यू कैन गूगल इट, विकीपीडिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा. आई टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ गाइज, आई एम नॉट अ ब्लॉगर और लाइक व्लॉग्स और मेकिंग समथिंग लाइक डिफरेंट व्लॉग्स और लाइफ स्टाइल व्लॉग. आई एम मेकिंग व्लॉग्स फॉर ओनली पीपल हु नो कि विच आर द प्लेसेज यू कैन ट्रैवल इन अफोर्डेबल प्राइस. यू नो जब से इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अफोर्डेबल प्राइस में हम कैसे ट्रैवल कर सके. बिकॉज आज के टाइम पे ट्रैवलिंग करना मतलब नथिंग हो गया, और कुछ लोगों के लिए मतलब इट्स अ हॉबी, और कुछ लोगों के लिए मतलब इट्स लाइक थोड़ा सा स्ट्रेस कम करने के लिए भी लोग घूमते हैं. बट दे कुडंट फाइंड द प्लेसेस वेयर एक्चुअली दे कैन गो एंड चिल आउट. सो आई एम ट्राई टू गिव यू सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन. अगर आप सांगली से बिलोंग करते हो, सम ऑफ द पीपल हु इज वॉचिंग फ्रॉम सांगली, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज. और ये जो एक्सप्लोर किया है ना, एज यू कैन सी बिहाइंड मी, ऐसा आपको देखने के लिए बार बार नहीं मिलता भाई. आपको बहुत कम चांसेस मिलते हैं ऐसे कि यू हैव टू कम हियर एंड जस्ट एक्सप्लोर यू नो. आई एम जस्ट ग्लैड सो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. अगर आपको ये यहाँ पे आना है फ्रॉम एनी अदर एनी वेयर इन द वर्ल्ड और एनी वेयर इन द इंडिया, सो यू जस्ट हैव टू यूज़ द गूगल मैप्स एंड यू कैन कम हियर एंड देन यू कैन सी और एक्सप्लोर इट. टोटली वैल्यू फॉर मनी गाइस, और सस्त में मस्त ट्रिप है और अमेजिंग. चाह और मैं आपको बोलना चाहूँगा गाइस, मंकी से बच के रहिए. अगर मंकी से नहीं बचे ना कुछ तो भगा ही लेगा. सो मेक श्योर कि आप जब यहाँ पे आते हो पूरे स्टेप्स के साथ अपने बैग्स रखना, और खाना पीना लेके आ रहे हो तो पहले खा लेना, केले वेले या कुछ भी देख लेगा मंकी, छोड़ेगा नहीं भैया, उठा के ले जाएगा. सो जैसे कि मैंने दिखाया वहाँ पर एक बंदी की चुनरी और उसका पर्स लेके गया बेचारी का, और शी इज जस्ट फाइटिंग ट्राई टू गेटिंग दैट सेक्शन. हो गया से यहाँ आइए और यहाँ से वहाँ जाइए, हर जगह आपको घूमने को प्लेसेस ही प्लेसेस मिलेंगे, जितने चाहिए उतने एक्सप्लोर करो. हा. हमारी तो फटकी हाथ में आ गई है घूमते घूमते. अभी टाइम ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ से आगे आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते. 6 बजे तक ही ओपन रहता है, सो मेक श्योर कि आप आ रहे हो तो जल्दी आइए, अदरवाइज देयर इज नो मेक सेंस टू कम आफ्टर 5 or 4 PM. सो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से. यहाँ देख चुके हैं सनसेट भी हो चुका है पूरा,
as you can see guys, there are so many foreigners over here. I met them. They tell their stories to about like how is the Indian experience and all that. So bahut hi achhi baat hai. Unhone kaha ki I love India aur maybe this is my second time aur main dobara mein aana chahta hu. They are from like China, you know. They are very kind people. They also like an explorer. They wanted to explore India and they also going from here to Hampi and I am also. So chalo, achhi baat hai. I told you now this is the museum guys. This is also closed. 6 baje ke pehle aaiye aur maje kariye. What a view man. Totally worth it. Totally. Agar Muslim bande koi aa raha hai jisko lag raha hai ki uski namaz qaza hogi, so make sure ki yahan pe masjid bhi hai beside that section. Yahan pe aake aap namaz bhi ada kar sakte ho jo bhi hai. So, time to leave for Hampi guys. We are leaving from here and meet you on Hampi guys. Tata, bye bye. See you on Hampi guys.